ओपन गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र एंड सर्च फॉर विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। आपने गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है, उसमें को ओपन कर लेना है और उसमें विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करना है। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड और सबसे पहली वेबसाइट क्लिक ऑन फर्स्ट वन, इस पर आपने क्लिक कर लेना है एंड अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम यू हैव टू डाउनलोड इट। माई ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़ सो आई विल क्लिक ऑन विंडोज़। विंडोज़ के लिए आपने विंडोज़ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर फाइल डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होती तो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पर क्लिक करना है आपने। मेरी फाइल डाउनलोड हो रही है, माई फाइल इज़ डाउनलोडिंग, द फाइल ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड इज़ बीइंग डाउनलोडेड। अब आपने इस पर क्लिक कर लेना है, क्लिक ऑन थ्री डॉट्स एंड क्लिक ऑन शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर पर क्लिक करना है आपने, क्लिक ऑन वी एस स्टूडियो कोड सेटअप, क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट द agreement and click on next. Read all these, click on next and click on create a desktop icon, click on next. Next पर क्लिक करें, next. फाइल आप डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं इंग्लिश और उर्दू दोनों में समझाने की कोशिश करूँगा। फाइल डाउनलोड हो चुकी है, फिनिश पर क्लिक करेंगे तो ऐप लॉन्च हो जाएगी, विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद आपने फोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन फोल्डर, क्रिएट अ न्यू फोल्डर बाय राइट क्लिकिंग, क्लिकिंग ऑन न्यू एंड फोल्डर, नेम दिस फोल्डर एज वेब डिज़ाइन और वाट एवर यू वांट। क्लिक ऑन क्रिएट फोल्डर, क्रिएट फोल्डर पर क्लिक कर लेना है। सिलेक्ट फोल्डर पे आपने क्लिक करना है। सिलेक्ट फोल्डर के बाद आपने यहाँ पर न्यू फाइल पे जाना है, न्यू फाइल बिल्ट इन। आपने वेब वर्किंग करनी है तो वेब वर्किंग डॉट एच टी एम एल, डॉट एच टी एम एल एक्सटेंशन है। चूँकि ये HTML का ट्यूटोरियल है तो HTML stands for हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। शिफ्ट और वन पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो ये कोड आपके पास जनरेट वो हुआ आ जाएगा। ये है हमारे पास टाइटल। टाइटल में इधर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, हमने चेंज करना है। हम मैं लिख देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट PROJECT। ये हमारे पास बॉडी टैग्स हैं और ये इसके नीचे HTML टैग है। ये HTML टैग क्लोज हो रहा है और यहाँ से HTML टैग स्टार्ट हो रहा है। और लैंग्वेज जो है वो हमारे पास EN स्टैंड फॉर इंग्लिश में हम कोड कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी कोड हमने लिखना है वो बॉडी टैग में लिखना है। लेट सपोज एक हीडर टैग यूज़ कर लेते हैं H1। सबसे पहले आपने क्या करना, क्या है, आपने इधर एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पर आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है लाइव सर्वर के नाम से। सर्च फॉर लाइव सर्वर, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, यू हैव टू इंस्टॉल इट। सो आफ्टर इंस्टॉलिंग देयर विल बी एन ऑप्शन गो लाइव ऑन द राइट डाउन कॉर्नर यू आर सीइंग हियर, गो लाइव। सो लेट्स कम टू आवर कोड विच वी वर स्टडिंग अबाउट हीडर टैग्स। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हीडर टैग्स फ्रॉम H1 टू H6। H स्टैंड फॉर हेयर हीडर टैग एंड 1 स्टैंड फॉर इट्स नंबरिंग लाइक 1 to 6। वट इज़ द रोल ऑफ 1 to 6 आई विल टेल यू, लेट मी कोड फर्स्ट। From H1 to H6, I am creating tags from H1 to H6 and I will write a code in between them. You have to write, firstly I will write hello world just to check out the output or just to check out that his Visual Studio code is running or operating correctly. So let's type hello world, hello world, hello world. You just have to copy paste this. आपने इसको copy paste कर लेना है। ये हमारे पास H1 से लेकर H6 तक header tags हैं, इनका role बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर टैग, एक टैग ओपन और दूसरा टैग क्लोज हो रहा है, उसके दरमियान में अपने अपना कोड पेस्ट करना है।
कॉपी पेस्ट कर लें, इस लें पहले एक दफ़ा टाइप करके फिर कॉपी पेस्ट कर लें। इसकी आउटपुट मैं आपको चेक करवाने जा रहा हूँ, और H1 टू H6 का रोल बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ H1 टू H6? क्लिक ऑन गो लाइव, यू हैव टू क्लिक ऑन गो लाइव। गो लाइव पे आपने क्लिक कर लेना है। आफ्टर दैट उसके बाद आपको विल सर्वर ओपन हो रहा है, यहाँ पर आपको आउटपुट शो हो रही है। यू आर सीइंग आउटपुट हेलो वर्ड ऑन द टॉप इज इन लार्जर साइज एज कम्पेयर टू द लास्ट वन एंड एज आई नेम्ड द प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड द नेम टाइटल अपेयर्स ऑन द टॉप। यू कैन सी द साइज इज डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द मैक्सिमम साइज इज ऑफ H1 हीडर 1 एंड द मिनिमम ऑफ इज ऑफ H6 टैग हीडर 6। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हीडर टैग्स। सबसे बड़ा टैग जो है वो हीडर H1 है, उसमें देख सकते हैं हेलो वर्ड जो हमने प्रिंट किया है उसका साइज़ बहुत ही बड़ा है, और H6 वाले का बहुत ही छोटा साइज़ है हमारे पास। इसके बाद ये तो हमारे पास था हीडर टैग्स। इसके बाद इसको कट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ पी से ज़ाहिर है पैराग्राफ, इसमें आपने कोई भी आप पैराग्राफ लिख लेते हैं, माय नेम इज़ अली, आई एम हेयर टू कोड, आई एम इंटरेस्टेड इन कोडिंग ट्यूटोरियल्स। क्लिक ऑन फर्स्टली यू हैव टू क्लोज द पोर्ट, क्लिक ऑन पोर्ट, क्लिक टू क्लोज सर्वर। आपने सर्वर को क्लोज करना है, फिर रन करना है, फिर ये लाइव जाएगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन गो लाइव। आफ्टर क्लोजिंग द सर्वर देन इट विल ओपन। सो यू आर सीइंग द पैराग्राफ रिटर्न, माय नेम इज़ अली, आई एम हेयर टू कोड, आई एम इंटरेस्टेड इन कोडिंग ट्यूटोरियल्स। आपने देखा ये सारा एक ही पैराग्राफ में आया है, इसमें नेक्स्ट लाइन पे कोड नहीं गया। अब अगर आपने नेक्स्ट लाइन मीन टू से दैट माय नेम इज़ अली एक लाइन में लिखा हुआ है, आई एम हेयर टू कोड दूसरी लाइन में, और आई एम इंटरेस्टेड इन कोडिंग तीसरी लाइन में है, तो उसके लिए हमारे पास टैग है बी आर टैग। ये आपने उस लाइन के बाद पेस्ट कर देना है जहाँ से आपने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है। अब अगर हम क्लोज़ करके दोबारा सर्वर को रन करते हैं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं माय नेम इज़ अली फर्स्ट लाइन, आई एम हेयर टू कोड ऑन सेकंड लाइन, आई एम इंटरेस्टेड इन कोडिंग ट्यूटोरियल्स ऑन थर्ड लाइन। सो दिस इज़ द रोल ऑफ BR टैग। BR टैग इज़ यूज्ड टू पुट आवर लॉजिक और आवर टेक्स्ट ऑन नेक्स्ट लाइन। तो ये हमारे पास P टैग और BR टैग का हमारे पास रोल था। ये कुछ मेन टैग्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई भी URL पेस्ट करना है तो उसके लिए क्या लॉजिक है, क्या टैग्स हैं। A टैग जो है हमारे पास, वो हमारे पास अगर आपने कोई भी URL अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है, href इज इक्वल टू, उसमें के बाद आपने यहाँ पर अपना लिंक टाइप करना है। सपोज़ कर लेते हैं मैं अगर YouTube का लिंक इधर पे लगा देता हूँ, www.youtube.com। अब आपने इस URL को जो नेम देना है वो इधर देना है, जहाँ से टैग क्लोज हो रहा है उससे पहले यहाँ पर आपने सपोज़ कर लेते हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने YouTube का URL पेस्ट किया है तो मैं यहाँ पर YouTube भी लिख देता हूँ YouTube। अब सर्वर को पोर्ट को पहले आपने क्लोज़ कर देना है सर्वर को, उसके बाद आपने उनको लाइव पे जा कर रन करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन गो लाइव टू रन द सर्वर। इन दिस वे यू कैन को पेस्ट URL। अगर YouTube पे क्लिक करता हूँ तो YouTube की वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
तो आप देख सकते हैं यूट्यूब की वेबसाइट ओपन होगी हमारे पास। तो ये था हमारे पास काम के जो हम लिंक्स को यूज़ करते हैं, लिंक कैसे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना होता है हमने। तो क्रॉस कर देते हैं और अपने कोडिंग की तरफ वापस आ जाते हैं। यहाँ पर इस URL को हटा देते हैं, इस टैग को। इस टैग की आपको समझ आ गई है, ये टैग लिंक के लिए यूज़ होता है। इसके बाद जो एक मेन टैग है हमारे पास, अगर आपने कोई ईमेल लेनी है तो IMG टैग हमारे पास इस्तेमाल होगा। IMG में SRC, यहाँ पर आप अगर ऑनलाइन इमेज डाल रहे हैं तो इमेज का लिंक, अगर वैसे डाल रहे हैं भाई अपनी अपने डेस्कटॉप से कोई पिक ले रहे हैं या अपने लोकल डिस्क से कोई पिक उठा रहे हैं, तो वो आपने उसका नेम इधर पेस्ट कर देना है। एक्सटेंशन आपने .jpg यूज़ करनी है या SPEG, जो भी एक्सटेंशन है वो उनको आपने इधर यूज़ करना है, अदरवाइज़ यू हैव टू पेस्ट द लिंक हियर। आल्ट के बाद जो आपने उस इमेज के साथ टेक्स्ट लगानी है वो आपने आल्ट इज़ इक्वल टू के बाद टाइप कर देनी है और टैग को क्लोज़ कर देना है। image.jpg ये मैंने एग्जांपल के लिए यूज़ किया, ये करेक्ट इमेज नहीं है, मैंने खुद टाइप जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू लेट यू नो, जस्ट आपको बताने के लिए, आपको दिखाने के लिए जस्ट मैंने टाइप किया है। तो यहाँ पर कोई अगर हम सर्वर को क्लोज करके रन करेंगे तो कोई इमेज नहीं शो होगी, बल्कि इमेज का एक आइकन बना हुआ शो हो जाएगा। सर्वर को पोर्ट को पहले आपने क्लोज़ करना है, उसके बाद आपने को लाइव पे जाके क्लिक करना है और फिर आपके पास सर्वर रन हो जाए होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज आपके पास नहीं आई, इमेज का एक लोगो बना हुआ आ गया, माई फर्स्ट इमेज इन एरोप्लेन, और बाकी जो टेक्स्ट थी वो उस इमेज लोगो के सामने आई है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब ये हमारे पास था इमेज टैग, कैसे आपने अगर कोई भी इमेज अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी है। तो ये कुछ मेन टैग्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद हमारे पास और भी बहुत से मुख्तलिफ टैग्स हैं जो हमारे पास यूज़ होते हैं। मेन टैग्स आपको बता रहा हूँ, दो टाइप्स की लिस्ट होती हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इन दोनों का रोल आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले UL में कोड कर लेते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट, आइटम वन, लिस्ट आइटम टू। अब हम OL में ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप कर देते हैं, नाउ चेक इट इन OL ऑर्डर्ड लिस्ट LI आइटम आइटम 11 आइटम 12, जस्ट टू मेक श्योर दैट मेक जस्ट टू चेक मेक श्योर द डिफरेंस बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 12 आइटम 13। नाउ इफ वी क्लोज द सर्वर एंड रन द सर्वर, यू कैन वेट फॉर लोडिंग, द सर्वर इज ओपनिंग। यू कैन सी हेयर आइटम 1 एंड आइटम 2 आर अनऑर्डर्ड, देयर इज जस्ट अ डॉट बिहाइंड देम, उनके पीछे सिर्फ डॉट लगा हुआ है, एंड आइटम 12 एंड 13 आर नेम्ड लिस्टेड विद 1 एंड 2 ID। सो दिस वॉज अबाउट अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट में सिर्फ डॉट्स आ गए हैं और ऑर्डर लिस्ट में बकायदा नंबरिंग दी हुई है उसे। तो ये था हमारे पास UL टैग और OL टैग का, हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट में अगर हमने कहीं भी इंक्लूड करना है तो ये मेन है। कहीं भी आपने अगर कोई टैग्स लगानी है तो ये टैग्स आपको ने इस्तेमाल करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टेबल टैग। अगर आपने कोई भी टेबल अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करना है, डेटा टेबल में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, टेबल रो होती है, टेबल डेटा हमारे पास आ जाता है, TH टेबल हीडर होता है हमारे पास,
अब टेबल में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने इधर डेटा देने के लिए टी आर लिखना है, टेबल की रो बतानी है। टेबल रो में डेटा के लेने के लिए आपने टी एच, और यहाँ पर जो भी आपने कोड करना है वही कोड आपको शो होगा अपने प्रोजेक्ट पे। मैंने यहाँ पर हेडर वन लिखा है तो मुझे हेडर वन शो होगा। अब ये हमारे पास था टी आर टैग टेबल रो। नाउ वी आर गोइंग टू चेक आउट टी आर एंड टी डी टेबल डाटा, टी एच टेबल हेडर टेबल डाटा। हेयर वी आर गोइंग टू चेक आउट द आउटपुट ऑफ टी डी डाटा वन टी डी। टी डी स्टैंड फॉर टेबल डाटा, टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो, टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेड, एंड दीज टैग आर यूज इन द टेबल टैग। सो इफ नाउ आई एम गोइंग टू चेक आउट द आउटपुट बाई क्लोजिंग द सर्वर एंड बाई गोइंग लाइव ऑन द सर्वर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेबल टैग, हाउ यू कैन यूज एंड हाउ यू कैन क्रिएट रो एंड हाउ यू कैन इनपुट डाटा। लेट्स चेक आउट द आउटपुट। इसके आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट अगर आप देखें तो हीडर वन हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास इसकी जो है बोल्ड में आया है, डाटा वन सिंपल आया है हमारे पास, क्योंकि हीडर वन जो है वो हेडिंग आप कह सकते हैं, तो इस हिसाब से उसे थोड़ा सा बोल्ड होना होता है। ये तो ये था हमारे पास ऑल अबाउट टेबल टैग। इसी तरह के हमारे पास और भी मुख्तलिफ टैग्स यूज़ होते हैं HTML लैंग्वेज में। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले जो कोड होता है वो HTML में कोड होता है। तो अब अगर आपने कोई भी फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्म टैग है। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू सबमिट। कोई भी फॉर्म आपने सबमिट करना है तो उसके एक्शन के लिए एक फॉर्म अब हम बना रहे हैं अभी, उसको सबमिट करना है तो उसके लिए जो एक्शन है वो है हमारे पास सबमिट फॉर्म। इसके नीचे हमने स्लैश लगानी है। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ सबमिट फॉर्म देना है। इसके बाद हमारे पास मेथड क्या है, पोस्ट। आपने गेट करना है, पोस्ट करना है, डायलॉग। तो इधर हमने क्योंकि सबमिट करनी है तो पोस्ट है किस्म की वो, तो हमने पोस्ट पे क्लिक कर देना है और टैग को क्लोज करना है। रिमेनिंग कोड हमने इन दो टैग्स के अंदर करना है। फॉर्म टैग जहाँ पर क्लोज हो रहा है उससे पहले पहले हमने कोड जो भी फॉर्म में हमने कोड करना है या वैल्यूज देनी है या वैल्यूज लेनी है, इनपुट देनी है या यूज़र से आउटपुट लेनी है, तो वो सारा काम अब फॉर्म टैग क्लोज करने से पहले हमारे पास इस लाइन में जहाँ पर मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है यहाँ पे आएगा। लेबल टैग है हमारे पास, लेबल फॉर इज इक्वल टू नेम। ये कोड जो मैं अभी लेबल का पेस्ट कर रहा हूँ ये मैं बाकायदा आपको आउट पाथ में रख कर समझाऊँगा भाई इधर लेबल का क्या काम है, इधर फॉर्म एक्शन का क्या काम है, और बाकी जो कोड हो रहा है उसका क्या काम है। एन ए एम ई नेम द टेक्स्ट विच आई हैव रिटन एन कैपिटल ए एम ई विल बी शोन ऑन व्हेन आई विल गो लाइव ऑन सर्वर। सो दिस वॉज लेबल एंड नाउ वी आर यूजिंग अ टैग इनपुट। इनपुट टैग इज़ यूज फॉर द इनपुट फ्रॉम यूज़र, टाइप इज इक्वल टू डाटा, टाइप इज इक्वल टेक्स्ट। वी आर गोइंग टू टेक आउट टेक्स्ट फ्रॉम यूज़र, टेक्स्ट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डाटा, आई डी आप ले सकते हैं, आई डी हम नेम ले लेते हैं यहाँ पर। टैग को क्लोज करेंगे।
नेम इज इक्वल टू नेम, यहाँ पर हमने टैग क्लोज कर दिया है। इसके बाद हमारे पास एक और इनपुट टाइप होगी, इनपुट टाइप में जो भी आप यूज़र से ले रहे हैं वो यहाँ इनपुट टाइप में सबमिट है। सबमिट अगर करना है तो यूज़र नहीं करना है, तो इसमें आपने वैल्यू सबमिट दी है देने देनी है और यहाँ पर टैग क्लोज करना है। अब अगर सर्वर को क्लोज करके रन करते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्म आ गया है। नेम, यहाँ पर आपने नेम एंटर करना है, नेम आपने टेक्स्ट एंटर करनी है। आप अगर कोई भी इमेज लेके आ जाते हैं और यहाँ कंट्रोल वी करके पेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो नहीं होगी, पेज वर्किंग नहीं कर रहा, क्योंकि इसका बिहाइंड द कोड जो है डेटाबेस वगैरह वगैरह वो नहीं हो। अभी हम सिर्फ HTML कर रहे हैं, तो इसलिए सबमिट पर एक एक्शन जो हमने डिफाइन किया था वो एक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, उस एक्शन के बिहाइंड का कोड जो था वो हमने नहीं किया, इसीलिए इसका मतलब है सबमिट का जो है एक्शन वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नेम में हमने टेक्स्ट में हमने नेम लिया था और यहाँ पर हमने जो डाटा यूज़र से लेना है वो टेक्स्ट के फॉर्म में है। अभी मैं आपको कोड बिल्कुल कोड के साथ रख के समझा देता हूँ। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले फॉर्म है हमारे पास, एक फॉर्म बन गया है। यहाँ पर लेबल में हमने NA कैपिटल ME लिखा है, तो आप देख सकते हैं कैपिटल NA ME। अब यहाँ पर टेक्स्ट हमने लेनी है, टाइप हमने टेक्स्ट डिफाइन किया तो टेक्स्ट आई है, और सबमिट में सबमिट वैल्यू भी हमने सबमिट दी थी। ID में हमने नेम डिफाइन किया था एंड नेम इज इक्वल टू नेम। तो इस तरह आप कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो ये बेसिक चीज़ें थी, ये आपको पता होनी चाहिए थी HTML की। ये कोई एक्सक्लूसिव कोर्स नहीं है, बहुत लंबा कोर्स नहीं है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं है, ये जस्ट कॉन्साइज कोर्स था ताकि आपको पता चल जाए HTML टैग्स का ना हो हाओ वो, ताकि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट, अभी हम देख लेते हैं ChatGPT में हम जाते हैं, ChatGPT को मैं ओपन करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा वहाँ से अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है HTML में, तो उससे आप कोड लेके इधर पेस्ट करते हैं, तो अगर कोई भी उसमें एम्बिग्यूटी आ जाती है तो आके आपको कुछ टैग्स का पता हो। अभी हम ChatGPT ओपन कर लेते हैं। अब मैं इसको बता रहा हूँ क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट फॉर मी इन HTML। तो ये हमारे पास इसने, ये मैं कोड दे रहा है। तो ये कोर्स बेसिकली इसलिए था ताकि आपको HTML लैंग्वेज के टैग्स का पता चल जाए विदाउट CSS। CSS एक लैंग्वेज है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, टोटल 3 लैंग्वेज हैं। मैं बग़ैर CSS के ले रहा हूँ कोड, क्योंकि CSS का कोर्स एक अलग है, उसमें स्टाइलिंग होती है वेबसाइट की। तो ये हमारे पास इसने हमें कोड दे दिया है, इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है और अब इस कोड को हम अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं कोड पेस्ट कर रहा हूँ, अब सर्वर पे जाके रन कर देते हैं और उसके बाद आकर हम कोड को चेक करते हैं, कोड को रीड आउट करते हैं, आपको एक एक टैग की समझ आएगी। और यहाँ पर ये सर्वर जब रन किया है तो इसने हमें दिखाई है क्या, क्रिप्टो करेंसी प्राइस। एक इसने टेबल बनाया है, उसमें इसने डाटा लिया है, रोज़ डिफाइन किए हैं, टेबल हीडर लगाया है जिसमें क्रिप्टो करेंसी और प्राइस लिया है इसने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं TD टेबल डाटा, TR टेबल रो, टेबल टैग इसने यूज़ किया है, इसने जो भी सारा प्रोजेक्ट इसने टेबल टैग में डाल दिया है। इसी तरह अगर इसके अलावा भी कोई भी प्रोजेक्ट आप इससे करवाते हैं तो ये आपको जो कोड देगा उसकी आपको नाउ हाउ होगी। टेबल डाटा में इसने वैल्यूज़ ले ली हैं, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, रिपर, और इनकी प्राइसेस डिफाइन कर दी हैं टेबल डाटा में। टेबल रो में उसने ले लिया क्रिप्टो करेंसी और प्राइस टेबल हीडर में लिया है, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी और प्राइस जो थी वो हमारे पास बोल्ड में शो हो रही थी। तो ये हमारे पास HTML लैंग्वेज का
एक छोटा सा ट्यूटोरियल था ताकि अगर आपको HTML में कोई भी कोड करना पड़ जाए, HTML लैंग्वेज में आपको पता हो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, और भी सॉफ्टवेयर हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वीएल स्टूडियो कोड मेरे लिए तो बेस्ट है क्योंकि ईजीली इसमें कोड हो सकता है। तो अब आपको HTML लैंग्वेज आ गया है, यानी आप एक छोटी सी वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ HTML विद द हेल्प ऑफ ChatGPT यू कैन क्रिएट योर सिंपल टेक्स्ट वेबसाइट। अब अगर आपने मज़ीद करना है तो उसमें स्टाइलिंग आ जाएगी, उसके लिए आपको CSS का एक कोर्स करना पड़ेगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट। मैं ट्राई करूँगा अपलोड करने के, और उसके बाद अगर आपने यूज़र से कोई डाटा लेके अपने पास जिस तरह लॉगिन फॉर्म होते हैं हमारे पास, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट और PHP लैंग्वेज इस तरह की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उसके लिए अलग कोर्सेज हैं। मैं ट्राई करूँगा आपके लिए एक एक कोर्स बनाने की। सो दिस वाज ऑल अबाउट HTML। उम्मीद करता हूँ आपको कोड की समझ आई होगी, कोड आपने सीखा होगा। अब इसी कोड को आपने लर्न कर लेना है, एक दफ़ा आपने टाइप करके कोड करके आपने एग्जीक्यूट करके फिर आपने नोट्स बना लेने हैं उसके, ताकि आपको रिमेंबर है। विल मीट यू लेटर इन एन अदर वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।